जाता है पटियाला चौक। इस वक्त मैं बात करूं तो हमारा जो आज की लोकेशन रहने वाली है वो रहेगी जीरकपुर पटियाला हाईवे पे। यहाँ से पटियाला चौक से अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है। दिस इज आवर जीरकपुर पटियाला हाईवे जो आपको कनेक्ट कर देती है पटियाला से इस तरफ से, और ये जो रोड आपकी चली जाती है दिस इज PR7 एयरपोर्ट रोड जो आपको दूसरी साइड से कनेक्ट कर देती है मोहाली से, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग यहाँ से होने वाली है। प्रोजेक्ट से नियर बाय कमर्शियल की बात करें तो अपकमिंग कमर्शियल हब यहाँ पे आ रहा है जीरकपुर पटियाला हाईवे पे। सेम ही HLP सोशल स्क्वायर के बहुत बड़े शोरूम्स आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी ये भी डिलीवर होने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल ऑन हाईवे ऑन रोड ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो दिस इज ट्रिपल ट्री ट्राइसिटी ट्रेड टावर जो कि हमारे आज के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से बिल्कुल आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सो आपका जो बिजनेस टावर है वो भी बिल्कुल साथ में यहाँ पे आ जाता है। और इसके साथ में लैंडमार्क के लिए आपको बता दूं आगे रेडिसन होटल है, जो ये सब हॉटस्पॉट हमारे आज के प्रोजेक्ट के साथ में रहने वाले हैं। लेकिन हमारे आज के प्रोजेक्ट में अपना भी कमर्शियल एरिया है जहाँ से आपकी डिलीवरी की चीज़ें आपको अपनी सोसाइटी में मिल जाएंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सोहल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस्ट प्राइस रियल्टी। आज मैं आपके लिए अगेन लेके आई हूँ ट्राई सिटी का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट, जिसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो जीरकपुर पटियाला हाईवे पर सिचुएटेड होने वाला है। इसकी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज हम इस होम टूर के साथ साथ आपको इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखाने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट 40-50% ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। 13 टावर्स में से ऑलरेडी 4-5 टावर्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो बिल्कुल सामने आपका आ जाता है मोहाली सिटी स्क्वायर, और आपके जो जीरकपुर के मोहाली के और चंडीगढ़ के जितने भी हॉटस्पॉट हैं वो आपके यहाँ से नियर बाय आपको मिल जाते हैं। अनदर थिंग इज ये MY1 कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है। हाई राइज बिल्डिंग है, 3 BHK 3+1 BHK एंड 4+1 BHK आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे अपार्टमेंट आपके रहने वाले हैं। स्मार्ट होम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स आपको पार्किंग में मिल जाएगी। पार्किंग आपको 3 टाइप्स की प्रोवाइड की जा रही है, बेसमेंट, स्ट्रिल्ट एंड सरफेस। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा मॉडल के थ्रू समझाती हूँ, फिर हम डायरेक्टली आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके चलते हैं। कम सो बात करें प्रोजेक्ट मॉडल की, सो ये हमारी आ जाती है जीरकपुर पटियाला हाईवे। इसके साथ ही हमारी टाउनशिप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपका आ जाता है सिक्योरिटी एरिया, 3-tier सिक्योरिटी आपकी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगी। ये स्पेस आपके आ जाएंगे शोरूम के, सैम्पल अपार्टमेंट आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा शॉप्स में। सो आपकी डेली यूज की सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। इसके अलावा 40-60 feet वाइड आपकी इंटरनल रोड्स रहने वाली है। टाउनशिप आ जाती है आपकी 8 acres की, जिसमें से आपका 1.25 acres में स्पोर्ट्स एरिया रहेगा एंड 1.25 acres में आ जाएंगे आपका ग्रीन लैंड पैच। ग्रीन लैंड पैच की बात करूँ तो वो आपको थ्रू आउट द होल सोसाइटी कवर्ड रहने वाला है। स्टिल्ट प्लस 17 का कॉन्सेप्ट रहेगा। ये हाई राइज बिल्डिंग है, MY1 कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है। 3 टाइप की पार्किंग इसमें रहने वाली है। ग्रीन एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी वाटर बॉडीज, जैन गार्डन एंड बैम्बू गार्डन, डिफरेंट टाइप के गार्डन्स इंक्लूडेड रहेंगे एंड आपका किड्स प्ले एरिया भी इसमें सेपरेटेड रहेगा। दिस इज द क्लब हाउस, यहाँ पर आपका क्लब हाउस बनने वाला है। क्लब हाउस के टॉप पे आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा एंड कैफेटेरिया मिल जाएगा। इंडोर गेम, जिमनेशियम एक्सेट्रा आपके क्लब हाउस में इंक्लूडेड रहने वाला है। इसके अलावा हमारी जो आउटर स्पेस की गेम्स है, सो उनकी एक्टिविटीज़ के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है। टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट एंड आपकी क्रिकेट पिच यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगी, जो आपको आउटडोर गेम स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट मॉडल जो कि हमने यहाँ पे देखा है। ये आपका कंप्लीटली ऐसा ही स्ट्रक्चर बनके तैयार होने वाला है। फर्स्ट एंड सेकंड टावर आपके ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 3rd, 4th tower एंड 11th tower जिसकी आपकी ऑलमोस्ट 50-60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट मॉडल था। सैंपल अपार्टमेंट मैं आपको बहुत ही जल्दी दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना चाहती हूँ ताकि आप भी उनको देख लें लाइव कि हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। कम सो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं टावर्स की कंस्ट्रक्शन। जो पहले 2 टावर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो 2 टावर आपके हैं 3rd एंड 4th, उनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। वो सामने आपका 11th tower आ गया, उसकी कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट आपकी हाफ कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी इसकी पोजेशन भी आपको मिल जाएगी। पोजेशन की बात करूँ तो आपको 2025 तक ये पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर आपको मिलेगा। अभी भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। एक तो इसकी
जो कंस्ट्रक्शन है वो माईवन कंस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। ये आप देख सकते हैं एक भी ब्रिक इस कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं हुई, जिसके बहुत सारे आपको एडवांटेज मिल जाते हैं, कोई सीपेज लीकेज और आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी फ्लैट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो जब ये पोजेशन आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी, प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, उस टाइम इनकी जो रेट्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे बढ़िया आपको ऑप्शन आज मिल रहा है कि अभी भी ये प्रोजेक्ट जो है वो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया मार्जिन आप इनकी अमाउंट में से बचा सकते हैं। तो ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन अपडेट, बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट डिलीवर भी होने वाला है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे सैंपल अपार्टमेंट में। सो अब हम बात करते हैं फ्लैट स्पेसिफिकेशन की फ्लैट टूर के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके दो अपार्टमेंट रहने वाले हैं, एक फ्लोर पे सेंट्रलाइज दो लिफ्ट्स आपको दी जाएंगी। यहाँ पर अवेलेबिलिटी हमारे पास 3+1 BHK, 3 BHK एंड 4+1 BHK, जिसमें आपका यूटिलिटी रूम या फिर सर्वेंट रूम आपके साथ में रहेगा। ये सर्वेंट रूम की एंट्रेंस आ जाती है। And this is the main entrance, जहां पर आपको 8 feet long wooden door तो provide किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका digital lock उसमें provided रहेगा। ये अपार्टमेंट हमारा रहने वाला है 3+1 BHK, जिसमें इसका साइज रहेगा 2245 स्क्वायर फीट, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। दिस इज द फोयर एरिया। जैसे ही हम एंटर करते हैं फिर सामने हमारा आ जाता है लिविंग एरिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये फर्स्ट बेडरूम, जो कि बिल्कुल आपके एंट्रेंस के साथ में एडजॉइनिंग रहने वाला है, यानी कि आप इसे एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड रूम साइज हमारा यहाँ पे रहने वाला है 11x14 अप्रॉक्सीमेटली। रूम के थीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग एक लग्जरी यहाँ पे लेविश थीम यूज की गई है। अगर मैं यहाँ पे आपको वार्डरोब्स दिखाऊं तो वार्डरोब्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इनबिल्ट लाइटिंग के साथ वार्डरोब प्रोवाइड की जा रही है। वुडन वार्डरोब रहेगी आपके बहुत ही बड़े सेक्शन में। एंड रूम साइज आपका बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, बहुत ही बड़ा रूम साइज है। LED प्रोविजन आपकी यहाँ पे रहेगी, AC डक्टिंग इसमें एडेड रहेगी। एंड यहाँ से आ जाती है आपकी अटैच बालकनी, ये रनिंग बालकनी आपके अटैच रहने वाली है ड्रॉइंग एरिया एंड आपके थर्ड बेडरूम के साथ। दिस इज द अटैच वॉशरूम, अप्रॉक्सीमेट 6x8 इस वॉशरूम का साइज रहने वाला है। बहुत ही अमेजिंग साइज आपको दिया जा रहा है, अमेजिंग वॉल टाइल्स के साथ साथ आपकी फ्लोर टाइल्स जो है वो एंटी स्किड रहने वाली है। ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसमें आपकी सिर्फ वैनिटी एंड दिस मिरर ये आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा। स्टार सेक्शन आपका इस तरफ आ जाता है। एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन रहेगी, वेंटिलेशन पर्पज के लिए विंडो प्रोवाइड की जा रही है। अगेन मैं यहाँ पे दोबारा आपको रूम दिखाऊं तो बहुत ही अमेजिंग रूम साइज है, किंग साइज बेड आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज आर ह्यूज लिविंग एरिया। लिविंग एरिया से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये पाउडर रूम। सो पाउडर रूम में भी आपको सेंसर लाइट्स ऑलरेडी सेटअप करके दी जा रही हैं। ये आपका पूरा अपार्टमेंट रहने वाला है स्मार्ट होम, सेम आपके यहाँ पर भी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स इंस्टॉल्ड कर रखी है। एंड आपकी जो ये लाइटिंग है, जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे वो लाइट्स ऑलरेडी अपने आप ऑन हो जाएंगी। सो ये हमारा पाउडर रूम आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर आपका जो 3+1 BHK है, यहाँ पर 3 बेडरूम्स रहने वाले हैं, 4 वॉशरूम्स रहेंगे एंड एक सर्वेंट रूम आपको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पर उस सर्वेंट रूम में भी आपको अटैच वॉशरूम अलग से दिया जा रहा है। ये हमारा ह्यूज लिविंग एरिया है। इस ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 20x14 इसका साइज रहने वाला है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ अगर आप अपना ड्रॉइंग एरिया भी सेटअप करते हैं तो हमारे पास जो डाइनिंग एरिया के बीच की स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बचने वाली है। इस तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारे इधर किचन आ जाती है, लेकिन किचन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी बालकनी आप देख रहे हैं, ये आपकी पूरी ओपनेबल बालकनी रहने वाली है। दिस इज़ द बालकनी एरिया। ये हमारी बालकनी आपके अटैच है आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी एंड मास्टर बेडरूम के साथ भी। सो हम इसे मास्टर बेडरूम से देखेंगे, लेकिन अगर आपने कोई गेट टुगेदर करनी हो तो आपकी पूरी बालकनी ओपन हो जाती है, यानी कि आपका जो लिविंग एरिया का साइज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका बालकनी साइज उसमें प्लस हो जाता है। यहाँ पर आपकी विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स रहने वाली है। ड्रॉइंग एरिया में आप बड़े ही इजीली अपना एल शेप या फिर यू शेप सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के सेटअप की बात करूँ तो आपका 6-seated या फिर 8-seated डाइनिंग टेबल यहाँ पर बड़े ही इजीली आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। सामने आपकी LED प्रोविजन आ गई, AC डक्टिंग यहाँ पर प्रोवाइडेड रहने वाली है। दिस इज आर ब्यूटीफुल किचन। किचन साइज की बात करूँ 9x12 अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज रहने वाला है, बहुत ही अमेजिंग आपकी किचन साइज भी रहने वाला है। और ये किचन भी आपके पूरे अपार्टमेंट की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, दोनों तरफ आपकी काउंटर टॉप्स आ जाते हैं। अप्लाइंसेस की स्पेस आपको प्रॉपर इसी तरीके से दी जाने वाली है, अप्लाइंसेस आपके इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। रेफ्रिजरेटर स्पेस आप देख सकते हैं कि कितने स्पेस आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए दी जा रही है। अपोलो कैबिनेट्स की बात करें,
सो ये आपके आ जाते हैं अपर एंड लोअर कैबिनेट्स, बहुत ही अच्छी स्टोरेज स्पेस के साथ, अमेजिंग स्पेस आपको यहाँ पे दी जा रही है। होम एंड चिमनी की प्रोविजन रहेगी एंड दिस इज देयर ड्रॉर्स। ड्रॉर्स आपके सारे सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहने वाले हैं, आप ये देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग स्पेस आपको इस किचन में प्रोवाइड की जा रही है। इस तरफ के जो हमारे कैबिनेट्स रहेंगे, यहाँ पर भी आपको इन बिल्ट लाइटिंग सेटअप करके दिया जा रहा है। ये लाइट्स आपके एज इट इज रहेगी, इसमें आपके ग्लास एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पर भी आपका पेंट्री एरिया आ जाएगा एंड ये जो प्रोफाइल लाइट्स आप देख रहे हैं, ये भी आपकी एज इट इज इंक्लूडेड रहने वाली है। ये हमारा इधर डिशवॉशर स्पेस आ जाता है, ये आपका सिंक आ गया। किचन आपको दी जा रही है डुअल कॉन्सेप्ट के साथ ही, आपकी ड्राई किचन होगी, दैट इज योर वेट किचन, जो कि आपको आउटसाइड दी जा रही है। सो यहाँ पर आपका जो किचन का डुअल कॉन्सेप्ट है, बाहर आपकी किचन रहने वाली है वेट, यहाँ पर आपको डुअल सिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। यूटिलिटी एरिया भी आप इसको बना सकते हैं, यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया भी आ जाएगा एंड दिस इज अटैच सर्वेंट रूम। यहाँ पर आपको एक वॉशरूम अटैच मिलने वाला है, सर्वेंट रूम में भी आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल जाएगी। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो है इस अपार्टमेंट की बहुत ही अच्छी बात, वो है कि आपका ये अपार्टमेंट रहने वाला है एलेक्सा ऑपरेटेड, यानी कि स्मार्ट होम्स, और यहाँ पर आपके जितने भी स्विचेस रहेंगे वो टच पैनल्स के साथ रहेंगे, यानी कि आप उनको टच करके भी ऑपरेट कर सकते हैं और आपके मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अपना कोई घर का फ़ैन, एसी या फिर लाइट ऑन करके भूल चुके हैं, तो आप इसको अपने घर के बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इस तरफ रहेगा हमारा सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम आपका बहुत ही अमेजिंग साइज के साथ रहने वाला है, 12x15 अप्रॉक्सीमेट इसका साइज रहेगा और साइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा आपको ये बेडरूम दिया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेट आपके जो फर्स्ट बेडरूम को छोड़ के दोनों रूम रहने वाले हैं, उनके साइज आपको बहुत ही बड़े यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मैं बहुत इजीली यहाँ पे मूवमेंट कर पा रही हूँ और हमारा किंग साइज बेड यहाँ पे बड़े ही इजीली प्लेस होने वाला है। दिस इज योर एलईडी पैनल, यहाँ पर इसकी प्रोविजन रहेगी। एसी डक्टिंग आपको इस रूम में प्रोवाइड की जा रही है और हमारे पास जो स्पेस है वो दोनों तरफ इतनी ज्यादा होने वाली है कि बेड प्लेस करने के बाद आप इजीली अपना सोफा या काउच वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और इस तरफ अपना स्टडी एरिया भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज अटैच बालकनी, जो कि इस रूम की प्राइवेट बालकनी रहने वाली है। सो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर भी आपकी बालकनी 6 फीट वाइड रहने वाली है। ग्लास रेलिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यूपीवीसी विंडोज विद टफन ग्लास आपके बालकनी विंडोज पे रहने वाले हैं, यानी कि ये हीट प्रोटेक्टेड एंड नॉइस रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारी स्पेस है, इजिली आप यहाँ पे अपनी 2 सिटिंग्स लगा सकते हैं चाय कॉफी के लिए। तो बालकनीज एंड रूम साइज तो आपका अमेजिंग है ही, लेकिन उसके साथ ही आपको इस रूम में सेपरेटली ड्रेसिंग एरिया भी दिया जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट आ जाता है। ड्रेसिंग एरिया की बात करें तो 6x5 अप्रॉक्सीमेट इसका साइज रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको दी जा रही है इन बिल्ट लाइटिंग के साथ आपके वुडन वार्डरोब, ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे अटैच हो जाता है वॉशरूम। सो ये वॉशरूम भी आपको इन बिल्ट लाइटिंग्स के साथ मिल रहा है, सेंसर लाइट्स इसमें भी इंस्टॉल रहेंगी, वैनिटी सेक्शन एंड आपका मिरर इसमें से माइनस हो जाएगा एंड ये ग्लास पार्टीशन आपकी ऑप्शनल रहेगी, अगर आप चाहें तो कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, ऑप्शन आपके पास रहेगा। बाकी सारे ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पे एज इट इज मिलने वाली है, सेम फ्लोर टाइल्स एंड सेम वॉल टाइल्स आपको मिलेगी एंड सेम सीलिंग आपकी रहने वाली है। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम, जो कि इस तरफ रहने वाला है। 11x14 अप्रॉक्सीमेट इस रूम का साइज भी रहने वाला है। इस रूम में भी आपको वॉक इन क्लोजेट दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ। ये अमेजिंग रूम आपका रहने वाला है एंड यहाँ पर आपकी एलईडी प्रोविजन आ जाएगी, एसी डक्टिंग इसमें प्रोवाइडेड रहेगी और यहाँ पर हमारी रहने वाली है अटैच बालकनी। लेकिन बालकनी से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया के साथ ही आपका यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 6x5 का स्टोर रूम आपको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये आपका स्टोर रूम आ गया, जो इस रूम में आपके रहने वाला है, यानी कि इस 3+1 BHK में आपको अलग से एक स्टोर रूम भी दिया जा रहा है एंड यहाँ पर आपको 3 नहीं 4 वॉशरूम दिए जा रहे हैं। और ये आपकी आ गई वार्डरोब स्पेस, यहाँ पर भी आपको बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसमें भी आपकी जो है वो एम्बियंस लाइट इनबिल्ट रहने वाली है। दिस इज अटैच वॉशरूम। वॉशरूम साइज अगेन इस रूम में भी बहुत ही अमेजिंग आपको मिलने वाला है। सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
ये आपका ऑप्शनल रहेगा एंड ये ग्लास पार्टीशन आपकी ऑप्शनल रहेगी। यहाँ पर आपकी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन पर्पज के लिए। गीजर एंड एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन आपके वॉशरूम्स में प्रोवाइडेड रहेंगी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस घर की मेन यूएसपी यानी कि इस घर की रनिंग बालकनी से। आ जाएगी आपकी रनिंग बालकनी जो कि 6 फीट वाइड रहने वाली है, यानी कि बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट आपके आ जाते हैं यहाँ पे सारे के सारे। और आपकी जो बालकनीज है वहाँ पर आपको जो साइज मिल रहा है बहुत ही अमेजिंग मिल रहा है। ग्लास रेलिंग आपकी रहेगी, अगेन यूपीवीसी विंडोज विद टफन ग्लास आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आपका थर्ड बेडरूम है, दिस इज योर ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया एंड वो हमारा आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। सो ये आपकी जो बालकनी है फर्स्ट बेडरूम से लेकर थर्ड बेडरूम तक आपकी कनेक्टेड रहने वाली है। और यहाँ पर जो हमारी स्पेस है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि आपका जो ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया है वहाँ से आपकी जो बालकनी है वो फुली ओपनेबल रहने वाली है लाइक दिस। सो ये जो हमारी बालकनी है ये आप देख सकते हैं कि आपका जो पूरा ड्रॉइंग एरिया है वो पूरा ओपनेबल हो जाता है। यानी कि अगर आप अपनी कोई गेट टुगेदर कर भी रहे हैं, घर पे ही पार्टी कर रहे हैं, तो आपका ये स्पेस तो है ही, लेकिन ये स्पेस भी आपका उसमें प्लस हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। सो ये इस फ्लैट की मेन यूएसपी रहने वाली है कि यहाँ पर जो बालकनी आपको इन फ्लैट्स में प्रोवाइड की जा रही है वो आपको पूरे ट्राइसिटी में किसी भी फ्लैट में नहीं मिलने वाली। सो ये था हमारा लग्जरी 3+1 BHK अपार्टमेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 BHK एंड 4+1 BHK अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। सो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करने के लिए अवेलेबल है 24 आवर्स। सो कीप वॉचिंग बेस्ट प्राइस रियल्टी, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन, आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।